Puta mantigada, vai! Juta de apalanque, cai! हाँ, किस लिए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या मांगे आप? हमारी मांग ये है कि कल भारत देश के जो वीर शहीद हुए उनके अपमान में मऊ जनपद का नागरिक ओसामा ने जो कल घटना की, जो बेहुदा हरकत की, उसके खिलाफ रासुका लगाने के लिए हम लोग यहाँ एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट को देंगे कि उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए, जिससे पूरे देश में सकारात्मक माहौल जाए कि जो देशद्रोह की घटनाओं में लिप्त रहेगा उसके खिलाफ भारत सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हमारे देश के वीर जवान हमारी सलामती के लिए, हमारी बेहतरी के लिए सीमा पे जाके संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ओसामा जैसे गद्दार देशद्रोही जो देश का नमक खा के पाकिस्तान अलगाववादियों की बातें कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने की आवश्यकता है, जिससे पूरे देश में समाज में मैसेज जाएगा। पुलिस ने कहा गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके बाद आप क्या चाहते हैं? तमाम वो छोटी धाराएं लगी है जिसपे उसको तत्काल जमानत मिल जाएगी। हमारी सरकार से, पुलिस से, प्रशासन से, आला कमान से ये मांग है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, रासुका लगाई जाए, जिससे पूरे देश में ये मैसेज जाए कि देश के सैनिकों के का जो अपमान करेगा, देश की विचारधारा के खिलाफ जो जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उसको जेल के सलाखों के अंदर सड़ना पड़ेगा। और ज्ञापन में आपने देश के जो वीर सपूत हैं उनके बारे में कुछ मांग किया? उनके बारे में हमने ये मांग की है कि जो उनकी विधवाएं हैं, पत्नियां हैं, उनको 1 करोड़ रुपए एवं उनके माता पिता जिन्होंने उनको पाला पोसा है उनको 1 करोड़ रुपए सरकार उपलब्ध कराए एवं सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शन का उद्देश्य तो ये था कि हमारे जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि थी, और एक गुस्सा सारे लोगों का, पूरे जिलावासियों का है, एक ओसामा नाम का, ओसामा सनाफ इम्तियाज जो है उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया है 173 66 ए आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ये इतनी नॉमिनल धारा है कि उसको एक दिन में जमानत मिल जानी है। उसने जो अपराध किया है, उसने जो जिस तरह की टिप्पणी की है, लगातार लोगों से जानने में आ रहा है कि लगातार वो देशद्रोही बातें करता है, उस पर रासुका देशद्रोह की धाराएं लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश की सेना जो हम लोगों की रक्षा के लिए, पूरे देश की रक्षा के लिए हम लोग आराम से सोते हैं, वो सीमा पे लड़ते रहते हैं आतंकियों और देश के खिलाफ गलत साजिश रचने वालों के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, उनके लिए हम लोग लड़ाई हमारे लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और जो हमारे देश में बैठे हुए इस तरह के गद्दार हैं लगातार उनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं कि भैया हम खुश हैं सेना को मार गिराया है हमारे साथियों ने, यानी ये भी आतंकी हैं, तो इन्हें कोई छोटी मोटी धाराओं में नहीं, इनको देशद्रोह और आतंकी धाराओं में, ये आतंकवादी हैं, ये ऐसे लोग ये बढ़ावा दे रहे हैं उनको।